हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार, विजन क्लासेस इटमा के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, आज हमने पांचवा लेक्चर को लेकर के आया हूं। तो आज हमने पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से जो आरेख खींचते हैं बाबू, तो उससे कुछ संबंधित बातें, ठीक ना, उससे कुछ संबंधित बातें को हम लोग लेकर के आज चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक के पास। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, ठीक ना, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। तो सबसे पहला देखेंगे बाबू, इसमें बहुत सारा कुछ कुछ पॉइंट है, तो हम लोग पहला पॉइंट को लेकर के चलते हैं। ठीक, तो मेरा पहला पॉइंट क्या है बाबू, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, ठीक ना, गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। तो ये चीज को हम लोग समझते हैं कि पहला पॉइंट मेरा क्या कहता है। ठीक, तो देखिएगा बाबू, सबसे पहला पॉइंट कि देखिएगा, हम दर्पण एक लेते हैं बाबू, अब एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण होता है। तो पहले हम लोग उत्तल अवतल दर्पण में देखते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। ठीक, तो देखिए, एक अवतल दर्पण को हम बना रहे हैं बाबू। अवतल दर्पण देखिए इसी टाइप का होता है, ठीक ना, इसमें उठा हुआ भाग जो होता है बाबू वो रज्जित रहता है, मतलब रंगा हुआ भाग है, ठीक ना, और जिसको परावर्तक सतह बोलते हैं, उधासा हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोला जाता है, ठीक ना। तो यहां से देखिएगा, एक किरण के लेते हैं, देख लीजिए आप लोग सही से, देखिए मेरे लिए यही स्केल है बाबू, ठीक ना, देखिए। ठीक, इस बिंदु का हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, जिसको ध्रुव बोला जाता है। यहाँ पे मेरा क्या है बाबू, सी है बाबू, सी मतलब वक्रता केंद्र है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे मेरा क्या बाबू, एफ, जिसको हम लोग फोकस बिंदु बोला जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है बाबू, देखिए सुनिएगा क्या कह रहा है, कि दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर, मेरा मुख अक्ष यही ना है बाबू, देखो तो मुख अक्ष के समानांतर, सपोज यहां से समानांतर करते हो, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण, मेरा यही ना बाबू, आने वाली प्रकाश की किरण, सपोज मान लिया जाए मेरा ये वाला रहेगा बाबू, देखिएगा आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, देखो है ना, सपोज मामा यही आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिएगा आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस, मेरा मुख फोकस यही ना, मुख फोकस कही ना, तो फोकस बिंदु भी कह सकते हैं, कि दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे देखिएगा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस होकर काच होता है बाबू, गुजरती है। ठीक, मुख फोकस होकर गुजरती है, तो देखिए मुख फोकस होकर हम दर्पण को क्या किए, हम किरण को गुजार दिए, ठीक ना, किरण को गुजार दिए। तो देखो, तो दर्पण से मुख फोकस होकर परावर्तन के बाद मुख फोकस होकर गुजरती है, गुजरते हैं हम, गुजार के दिखा दिए किस तरह से गुजरता है, ठीक ना। ये चीज को आप समझ में आ गया होगा कैसे गुजरता है, जी क्या बोले, कि कोई भी देखिएगा, दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस होकर गुजरते हैं, मुख फोकस होकर गुजर दिए ना, इसी को तो बोलते हैं कच्चे बाबू। पहला मेरा टॉपिक यही था। अब देखिएगा, ये तो हमको गुजरती है, अब अगला क्या बोलते हैं, गुजरती हुई मालूम भी पड़ती है, ठीक ना। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण के लिए, कौन सा दर्पण के लिए बाबू, अवतल दर्पण के लिए बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू, उत्तल दर्पण के बारे में। देखिएगा उत्तल दर्पण में, कि देखिए उत्तल दर्पण बनाते हैं, ठीक, देखिएगा आप लोग खाली, बस देखिए मेरा अंदर का जो भाग है वो ढांसा हुआ भाग मेरा रज्जित किया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोला जाता है। ठीक, लिख देते हैं, ये मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक, उठा हुआ भाग है बाबू, इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोला जाता है। ठीक, देखिए ये मेरा उठा हुआ भाग है, ठीक, सपोज मान लिया जाए कि ये मेरा पी बिंदु है, वो जिसको ध्रुव बोलते हैं, ये मेरा एफ बिंदु है, ठीक, और ये मेरा सपोज सी है, ठीक। तो क्या बोले थे, कि आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक ना, आने वाली प्रकाश की किरणें ये मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, सपोज मान लिया जाए कि मेरा इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, प्रकाश की किरण आ रही है बाबू, आ गया ना,
प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें ठीक दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद सपोज इस टाइप से जाता है बाबू, देखिएगा इस टाइप से इधर भागता है ठीक है, लेकिन यहाँ भागता है वो, लेकिन प्रतीत होता है कहाँ, फोकस होकर गुजरती है, कहाँ थी बाबू, फोकस होकर, देखिए प्रकाश किरण इधर से आया मुख अक्ष के समानांतर इधर लौट गई, इधर का चुका बाबू लौट गया, लौटने के बाद फोकस होकर का होता है गुजरते हुए प्रतीत होती है ठीक ना, गुजरते हुए का होता बाबू प्रतीत होता है मेरा ठीक, गुजरते हुए प्रतीत होती है ठीक ना। तो ये मेरा अवतल दर्पण के लिए हो गया बाबू, ये मेरा उत्तल दर्पण के लिए हो ठीक ना, ये मेरा उत्तल दर्पण के लिए हो गया ठीक। तो सपोज नाम, इसको नाम भी देना चाहते हो दे सकते हैं ठीक ना, ठीक है ठीक है। अगला हम लोग इसके बारे में, पहला टॉपिक के बारे में समझ गए ठीक ना, पहला टॉपिक के बारे में समझ गए। अब क्वेश्चन इस पर किस तरह से आया, आया क्वेश्चन यही बाबू कि जब हम बिंदु को या कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम कहेंगे क्या अनंत पर या सी बिंदु पर रखेंगे, सी बिंदु पर रखेंगे, तो पहला पॉइंट यही है बाबू कि जब हम कहीं भी पॉइंट को रखेंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस होकर गुजरती है, तो फोकस होकर गुजरती है ठीक। अब कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, देखिए और पॉइंट दम यही चीज है ठीक है, दम यही चीज है, बस खाली उलट देना है हमको, क्या चीज करना है, बस खाली थोड़ा सा पलट देना है ठीक ना। कहने का मतलब है कि जैसे सपोज मान लिया जाए कि ये मेरा क्या है, एक मेरा ये दर्पण है ठीक, ये मेरा अवतल दर्पण है, लिख देते हैं अवतल दर्पण है ठीक। यहां से देखिएगा प्रकाश किरण आ रही है, ये मेरा क्या है, सपोज ये मेरा क्या है पी बिंदु है बाबू, पी बिंदु दे दिए, यहाँ पे मेरा क्या चीज है एफ है और ये मेरा सी है ठीक है। अब कह रहा है देखिएगा जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, जब कोई किरण सपोज मान लिया जाए कहीं से भी जा रहा है किरण और फोकस की दिशा में जा रही है, सपोज फोकस होकर सपोज ऐसे जा रहा है किरण, प्रकाश किरण इस टाइप से जा रहा है बाबू, चल गया ठीक, प्रकाश किरण इस टाइप से जा रहा है ठीक ने। देखिए कह रहा कि फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन, यहाँ पर दर्पण और दर्पण आगे, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समानांतर आ जाती है, किसके समानांतर आ जाती है, मुख अक्ष के समानांतर आ जाती है ठीक ना। तो यही मुख अक्ष के समानांतर, मेरा मुख अक्ष कौन सा है बोलिएगा आप लोग, मुख अक्ष मेरा यही ना बाबू, मुख अक्ष है तो इसके समानांतर किरण आ रही है, हाँ या नहीं बोलिएगा आप लोग, आ रही है दम बिल्कुल आ रही है। तो देखिए क्या कह रहा है, जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर लौट जाती है, तो देखो लौट गया ना, लौट गया कि नहीं लौट गया, तो इसी को दर्शाना था, यहाँ पे देखो दर्शा के बता दिए किस तरह से होता है ठीक, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा ठीक ना। अब कहिएगा कि उत्तल दर्पण में बताइए, तो उत्तल दर्पण भी बता देते हैं, देखिए बताते हैं उत्तल दर्पण कैसे होता है, देखिए सपोज ये मेरा क्या है उत्तल दर्पण है ठीक, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसी को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, जैसे लिख देते हैं उत्तल दर्पण ठीक। यहां पर देखिएगा ये मेरा क्या है, यह मेरा पी बिंदु है बाबू, यहाँ पर मेरा एफ बिंदु है, ये मेरा सी है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा ठीक। तो कहने का मतलब है, देखिएगा कहने का मतलब यही होता है बाबू ठीक ना, कि जब कोई भी किरण जब फोकस होकर जाती है ठीक ना, तो कहने का मतलब किरण तो इधर से नहीं जाएगा बाबू, इधर से जब भी जाएगा तो इधर परावर्तक सतह से जाता है ना, तो किरण जब इधर से मेरा जाएगा बाबू परावर्तक सतह से ठीक ना, तो ये मेरा डॉट डॉट में जाती है ठीक ना, स्टार्ट देखिएगा फोकस से कैसे गुजरती है बाबू ठीक ना। तो देखो किस टाइप से गुजरता है ठीक, तो प्रकाश की किरणें देखिए आ रहा है ठीक, आने के बाद यहाँ पर देखिए इस टाइप को होता है ठीक ना, यहाँ पर फोकस होकर देखिए दर्पण की ओर, देखिए फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है किरण बाबू, फोकस की ओर आने के बाद ये क्या होता है परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समानांतर हो जाता है, देखिए इस टाइप से लौट जाता है प्रकाश किरण, यहाँ से आया बाबू इस टाइप से आ गया ठीक ना, आने के बाद ये किरण इधर की ओर लौट जाता है ठीक ना। अब देखो सॉरी बाबू, यहाँ पे देखिए किरण इधर नहीं जाती है, किरण ऊपर की ओर लौट जाता है ठीक, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक ना, ध्यान दीजिएगा ठीक, वहां पे ये होता है ठीक। तो देखिए इस टाइप के यहाँ पर डॉट 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 पे किस तरह से मतलब यहाँ पे प्रतीत हो रही है किरण की, फोकस होकर फोकस के जब फोकस की ओर तरफ आती है किरण तो हम मुख अक्ष के समानांतर लौट जाती है ठीक ना। तो ये जो ये हो गया ठीक, अगला देखिएगा थोड़ा सा रुकिए बाबू, हाँ कोई बात नहीं है,
हाँ ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है देखो, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, देखिएगा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। जैसे देखिएगा मान लिया जाए बाबू कि ये मेरा क्या है, एक दर्पण है बाबू, कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है बाबू, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, लिख देते हैं बाबू कि अवतल दर्पण, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। प्रकाश देखिएगा यहाँ पे सारा चीज हम व्यवस्था है मेरे पास, थोड़ा बहुत क्यों नहीं लेकिन है सब कुछ मेरे पास, ठीक ना। ये मेरा पी बिंदु है, क्या है, ये मेरा पी बिंदु है, ये मेरा क्या चीज है, ये मेरा एफ है और यहाँ पे मेरा सी है, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोला जाता है बाबू, ठीक नहीं, इसी को वक्रता केंद्र बोला जाता है। कहने का मतलब क्या चीज, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पर नहीं दे करके हम यहाँ पर वक्रता केंद्र दे रहे हैं, ठीक, ये वाला यहाँ नहीं बाबू, इसको थोड़ा मिला देते हैं, ये मेरा सी बिंदु है, ठीक, ये सॉरी ये मेरा एफ बिंदु है, ये मेरा सी है, ठीक है, वक्रता केंद्र ये वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, देखिएगा वक्रता सपोज यहाँ से वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, देखिए इस टाइप होगा, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, देखो तो वक्रता केंद्र से आ गया प्रकाश किरण, और कहां से आए तो अनंत बिंदु से आ रहा है, ये नहीं कहीं पे पॉइंट दिया, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, तो कहीं से भी आ रही है, तो प्रकाश की किरण तो वक्रता केंद्र से जब गुजरती है और गुजरने के बाद एक इस टाइप से इधर की ओर जा रहा है, गुजर रहा है, गुजरने के बाद जब दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से फिर परावर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या परावर्तक सतह है बाबू, तो यहाँ पर जब परावर्तन के क्या दर्पण में पड़ने वाले परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, क्या होता है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, मतलब प्रकाश की किरण इधर गया फिर वहां पे लौट गया, ठीक है। तो इसी को मेरा दूसरा नियम यही दर्शाता है, ठीक ना, तीसरा मेरा पॉइंट यही दर्शा रहा है कि जब वक्रता केंद्र की ओर जाने, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है, उसी को हम लोग तीसरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप से देखो यही चीज लिखा हुआ है, बस वहां पर हम लोग छाप दिए, ठीक, वहां पर क्या किया हमने, छापे हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट देखिएगा, इसी के हम अवतल में बनाते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं बाबू, अवतल में बनाते हैं, देखिए किस टाइप से अवतल में बनाएंगे, ठीक, उत्तल में बनाएंगे, सॉरी उत्तल में बनाएंगे, ठीक, अवतल में तो बना दिए हमने, ये मेरा उत्तल दर्पण है बाबू, ठीक, ये मेरा क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक ना, ये मेरा उत्तल दर्पण है, देखिएगा कैसे बनेगा, जे ये मेरा पी बिंदु है बाबू, ये मेरा एफ बिंदु है, और सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पे मेरा सी बिंदु है, ठीक ना, यहाँ पे क्या सी बिंदु है, ठीक, तो प्रकाश की किरण बाबू कहीं से भी आ रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं हो, कहीं से भी प्रकाश की किरण आ रही है, सपोज देखिए बना देते हैं, ठीक, यहाँ पे आप नीचे इसको ले लेते हैं ताकि समझने में हमें भी परेशानी होगा, समझाने में अच्छा आसानी होगा, ठीक, जैसे प्रकाश की किरण कहीं से भी आ रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सपोज यहाँ से आ रहा है, ठीक, इस टाइप से आ रहा है प्रकाश की किरण, ऊपर से आ रही है प्रकाश की किरण, कहीं से भी यहाँ पर आ गया, ठीक, आने के बाद यहाँ पर देखिएगा प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो गया ना, देखिएगा प्रतीत हो गया, ठीक है, प्रकाश की किरण अनंत बिंदु से आ रही है बाबू, देखिएगा आ रही है, यहाँ के बाद परावर्तन, जब यहाँ पे इसके परावर्तन के बाद देखिएगा लौटना चाहिए, देखिएगा इसी दिशा में, मतलब आया जरूर इस पर आया लेकिन इसी दिशा में लौट गया, लेकिन प्रतीत कहां पर हो रहा है, वक्रता केंद्र से आ रही है और वहीं पर जाकर के फिर पुनः लौट गया, ठीक ना, वहीं पर गया लेकिन फिर ना पुनः गया और फिर लौट गया, ठीक, तो इसी को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, अगर नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, सारा चीज को पर्सनल नंबर दिया जाएगा लास्ट में, उस नंबर पे आपने क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या समझ में नहीं आया। देखिएगा अगला क्या है, चौथा पॉइंट में क्या है मेरा, कि जब आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है बाबू, देखिएगा अगर वहां पर मेरा नहीं जगह, ये उत्तल दर्पण था बाबू, उत्तल दर्पण, अगर कहिएगा तो इतना में बता दे, नहीं तो फिर यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक, यहाँ पर बता दें, ठीक है, बता रहे हैं, देखिएगा कह रहा है कि देखिएगा जब आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, सपोज मान लिया जाए बाबू कि ये मेरा क्या है, ये मेरा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तब अवतल दर्पण है, ठीक, ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक, पड़ती है तो परावर्तन, देखिएगा ये पड़ गया इस तरह से, यहाँ के बाद हमने इसका जो भी नियम है बाबू, नियम कानून कर देते हैं, जो नियम है जो हम लोग का, ठीक ना, तो कहना का मतलब है कि जब आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, कहने का मतलब ये मेरा पी बिंदु है बाबू, ठीक ना, ये मेरा पी बिंदु है, यहाँ पे मेरा एफ है,
एफ है मेरा, यहाँ पे मेरा क्या है सी है। तो कहने का मतलब है कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, तो परिवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई के बराबर क्या होता है बाबू कोण आर होता है कि नहीं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम यही कहता है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी बाबू, प्रकाश की किरण जब यहाँ पर हमको आएगी पी पर, पी बिंदु पे, ठीक है, तो पुनः देखिएगा उस यहाँ से लौटेगी, हाँ या नहीं बोलिएगा, लौटेगी कि नहीं, एकदम लौटेगी। और जब भी लौटते हो तो बीच वाला जो रेखा होता है लंबवत हो जाती है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, होती है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर बन गया, हो गया ना। तो जब यहाँ पर आते हो तो यही नियम कहता है दूसरे नियम के अनुसार कि ये वाला जब प्रकाश किरण आ रही है तो यहाँ से लौट रही हो, लौट गया किरण, तो यही किरण कहता है कि ये वाला जो कोण होगा बाबू ये कोण आई के बराबर होगा, ये कोण आर होता है बाबू, कोण आर होता है, ठीक ना, ये कोण आई के बराबर काचू बताता है, कोण आर बताता है, यही दूसरे नियम के अनुसार ये चीज को दर्शाना है, ठीक ना। और हाँ तो देखिए बाबू, देखिए कहने का मतलब कि जितना कोण मेरा ये वाला होगा उतना ही कोण मेरा ये होगा। जैसे प्रकाश किरण यहाँ आपतित किरण आ गया, जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री के एंगल से बनाते हुए आई तो 30 डिग्री के एंगल से बनाते हुए लौट जाएगी, ठीक है ना, ये मेरा यही मेरा चौथा पॉइंट मेरा यही चीज को दर्शाती है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे नहीं बाबू प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, ये मेरा दर्पण था समतल दर्पण, तो प्रकाश किरण आती थी ऐसे, और ये जो अपातन बिंदु था यही पर मेरा क्या था लंबवत पर थी, तो कोण ये वाला था कोण आई के बराबर कोण वाला कोण आर होता था ना। तो जितना मेरा ये एंगल था उतना ही मेरा एंगल, आप लोग होमवर्क में भी दिए थे बनाने के लिए, ठीक ना। तो इसी टाइप यही चीज को यहाँ पर मेरा फॉलो करती है, ठीक ना, इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करती है। तो आप लोग अगर इसको उतारना चाहिएगा तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको उतार लीजिएगा और नोट्स फेयर बनाते रहिए। और आज तक इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाइएगा और शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करिएगा, ठीक, थैंक यू।